कभी लाखों भक्तों के बीच आलीशान जिंदगी जीने वाले आसाराम नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में बुधवार को जोधपुर की एक अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। उसके आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया ताकि वह सामान्य हो सके। थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी उसे जेल लेकर गए। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई शुरू होने पर आसाराम सामान्य था। सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब आसाराम हंस पड़ा। हालांकि जल्द ही उसकी यह हंसी काफूर हो गई। जोधपुर कोर्ट में जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया, आसाराम के चेहरे की रंगत उड़ने लगी। कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद तो वह सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। शायद आसाराम ने यह सपने भी नहीं सोचा होगा कि उसे अब जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद पुलिस और जेल अधिकारियों ने आसाराम को कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि वह सामान्य हो सके। बाद में उसे जेल परिसर में ले जाएगा। जल्द ही उसे किस बैरक में रखा जाए इसके बारे में जेल अधिकारी फैसला करेंगे। बता दें, नाबालिग दलित युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके साथ सहभियुक्त शिल्पी और शरद चंद्र को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हमें आज इंसाफ मिल गया, रेप पीड़िता के पिता। इससे पहले मंगलवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बेहद शांत नजर आया। जिलाधिकारी